हेलो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज सुधीर साहू फ्रॉम लाइफ साइंस ट्यूटोरियल। चलिए बेटा, तो आज अपने को, हालांकि हमारा जो पहला जो टिश्यू है बेटा, एपिथेलियम टिश्यू, वो कंप्लीट हो चुका है, मगर कुछ एपिथेलियम टिश्यू के मॉडिफिकेशन बाकी है बेटा। प्रीवियस वीडियो में मुझे याद आता तो मैं इसको क्लियर कर देता, बट चलो कोई बात नहीं। आपको यहाँ पे पढ़ना है कि एपिथेलियम टिश्यू में ग्लैंड्स का मॉडिफिकेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि बात हमने यहाँ पे मेंशन किया बेटा, ग्लैंडुलर एपिथेलियम क्या है, तो सिंपली यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि भैया ये क्या बेटा, ग्रुप ऑफ सेल है विच सिक्रीट केमिकल बेटा, ठीक है। ये क्या है, तो ग्रुप ऑफ सेल जो क्या करता है, विच सिक्रीट केमिकल्स, ठीक है। डरना नहीं, हिंदी में भी नोट करो बेटा, ऐसे सेल का समूह, ठीक है, ऐसे सेल का समूह, या फिर आप बोल सकते हैं कि ऐसे कोशिकाओं का समूह जो किसी, ठीक है, रासायनिक, ठीक है, रासायनिक पदार्थ, कुछ भी ले लेते हैं, अभी रासायनिक पदार्थ ले लेते हैं या रासायनिक तरल की बात करेंगे, का क्या करता है बेटा, स्त्रावण करता है, स्त्रावण करता है, उसे हम क्या कहते हैं, ग्लैंडुलर एपिथेलियम कहते हैं। तो पहली बात ये समझो बेटा, जो एपिथेलियम टिश्यू होती है उसमें तुमने मॉडिफिकेशन क्या क्या पढ़ा था कि भैया इसमें तुम्हारा ब्रश बॉर्डर होता है, बोला, ठीक है। और ब्रश बॉर्डर का काम था बेटा सरफेस एरिया को बढ़ाने का काम था। इसमें तुमने कहा था भाई सीलिया होता है, और आपने कह दिया था सीलिएटेड, और यदि सीलिया हो गया बेटा तो मूवमेंट करता है ये, ठीक है, मूवमेंट इन स्पेसिफिक डायरेक्शन। और हिंदी में मैंने लिखवाया था भाई कि किसी विशेष दिशा में किसी भी तरल को, म्यूकस को, ये क्या करता है बेटा, परिवहन करने का काम करता है। तो एक तो तुम्हारा ब्रश बॉर्डर वाला मॉडिफिकेशन यहां पे दिख रहा है मुझे, एक ब्रश बॉर्डर मॉडिफिकेशन है, एक सीलिया वाला मॉडिफिकेशन है। अब एक मॉडिफिकेशन आ गया बेटा ग्लैंड्स वाला, ग्लैंडुलर एपिथेलियम की बात हो रही है। तो कैसे कैसे तरह के ग्लैंड्स हमारे एपिथेलियम में प्रेजेंट होते हैं उसको बेटा तीन क्लासिफिकेशन से समझना है। सबसे पहला ग्लैंड का क्राइटेरिया आप देख लो बेटा, ग्लैंड्स तीन तरह के होते हैं बेटा, एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन और मिक्स ग्लैंड। मगर किस बेस पे आपने तीन तरह के ग्लैंड्स कहा, मैं तो कहता हूं नहीं, ग्लैंड्स और तीन तरह के होते हैं बेटा, एक आपका एक्राइन जिसको मीरोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं, एक आपका एपोक्राइन, और एक ग्लैंड आपका क्या है, होलोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। तो यहां भी तीन तरह के ग्लैंड्स हो गए, नहीं मैं बोलता हूं यार दो तरह के होते हैं। तो ग्लैंड्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ग्लैंड्स। तो यार यहां तो मुझे वैरायटी ऑफ ग्लैंड्स दिख रहे हैं, तो क्यों ना भाई कि यहां हम डिफाइन करें कि किस बेस पे है बेटा, ठीक है। तो यहां पे जो एंडोक्राइन ग्लैंड है बेटा वो है ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ क्या है, मोड ऑफ सिक्रीशन है बेटा, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ क्या बोल देंगे, सिक्रीशन के बेस पे है, ठीक है। यहां पे देख लो यार, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सिक्रीशन, ये दूसरा टाइप क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ, ठीक है, सिक्रीशन के बेस पे है बेटा, ये लो बात। तो सिक्रीशन के बेस पे भी तीन तरह के होते हैं, मगर सेल के नंबर के आधार पे यदि बोलेंगे तो यहां पे बेटा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल, ठीक है, मतलब यहां पे हम सेल की संख्या के आधार पर, ठीक है, संख्या के आधार पर यदि काउंटिंग करते हैं तो ऐसा होता है। यहां पे बेटा जो श्रावण का प्रकृति है, ठीक है भाई, यहां पे आप नोट कर सकते हैं कि श्रावण की जो प्रकृति होती है बेटा उसके बेस पे कैसे डिफाइन करेंगे, तो यहां पे आ जाएगा आपका एक्राइन, एपोक्राइन, होलोक्राइन, और मोड ऑफ मतलब किस बेस पे सिक्रीशन होती है बोलेंगे, तो उसमें आपका आ जाएगा बेटा क्या, एंडो, एक्सो और मिक्स ग्लैंड आ जाएंगे। यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा पहला वाला क्राइटेरिया। तो सबसे पहले यहां पे चीजों को समझ लो, एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या है, सबसे पहली बात कि इसके पास डक्ट या फिर जो नलिका बोलते हैं ना, डक्ट या फिर नलिकाएं क्या होती बेटा, नहीं होती है, ठीक है,
डक्ट या नलिकाई अब्सेंट होती है, इसीलिए इसको हम कहते हैं बेटा डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं। ये क्या कहलाता है? डक्टलेस ग्लैंड कहलाता है बेटा तुम्हारा एंडोक्राइन ग्लैंड। और हाँ याद रखना, एंडोक्राइन ग्लैंड जिसके पास डक्ट नहीं होता वे क्या सिक्रीट करते हैं? वे हार्मोन सिक्रीट करते हैं बेटा। क्या सिक्रीट करते हैं? हार्मोन का सिक्रीशन करते हैं, ठीक है, ये हार्मोन का सिक्रीशन करते हैं। और याद रखना बेटा जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हार्मोन का सिक्रीशन करता है वो सीधे कहीं इकट्ठा नहीं करेगा, सीधे आपके ब्लड स्ट्रीम में, ठीक है, ब्लड स्ट्रीम में क्या करती है? इसको स्रावित करती है, बहा देती है, और ये अपने टारगेट के पास पहुंच जाता है। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, देखेंगे क्या क्या होता है। फिलहाल एक्सोक्राइन ग्लैंड को जस्ट इसके उल्टा कंपैरिजन करना है। डक्ट नहीं होती बोल रहे थे, यहां पे बोल दो डक्ट प्रेजेंट होती है, ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं बेटा? तो बोलना डक्ट ग्लैंड के नाम से जानते हैं, डक्ट ग्लैंड कहते हैं भाई ये ऐसा। अब बेटा ये हार्मोन सिक्रीट नहीं करेगा, हार्मोन के अलावा जितने भी नाम तुमको पता है सब ये सिक्रीट करता है ये, ठीक है, एंजाइम सिक्रीट करता है, म्यूकस सिक्रीट करता है, ठीक है, एंजाइम हो गया, म्यूकस हो गया, ये एयर वैक्स सिक्रीट करता है, ये तुम्हारा स्वेट सिक्रीट करता है, ठीक है, ये तुम्हारा ऑयल सिक्रीट करता है, ये तुम्हारा मिल्क सिक्रीट करता है। बेटा हमारे बॉडी में जितने भी सिक्रीशंस होते हैं, अच्छा एक मिनट ये दिख नहीं रहा ना, इधर ले आता हूं मैं, हमारे बॉडी में ऑलमोस्ट जितने भी सिक्रीशंस होते हैं उन सभी सिक्रीशन को एक्सोक्राइन ग्लैंड करता है, और हार्मोन का सिक्रीशन आपका कौन करता है बेटा? एंडोक्राइन ग्लैंड करता है, ठीक है, तो सबका सिक्रीशन हो गया भाई। ओके अब आता है बेटा इन दोनों की कॉपी करने वाला ऑर्गन जिसको हम क्या कहते हैं? मिक्स ग्लैंड कहते हैं बेटा। तो मिक्स ग्लैंड ये दोनों की तरह, ठीक है भाई, दोनों की तरह काम करता है। अब दोनों की तरह काम करता है मतलब ये बंदा एक्सो प्लस एंडोक्राइन है, ठीक है, एक्सो प्लस क्या है बेटा? एंडोक्राइन नेचर का ये होता है, ठीक है, और ये क्या सेक्रेट करता है? तो दोनों सेक्रेट करता है बेटा ये हार्मोन्स, और मेनली एंजाइम को हम यहां पे मेंशन करेंगे, हार्मोन और एंजाइम दोनों का सिक्रीशन या स्त्रावण करता है, ठीक है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं बेटा? मिक्स ग्लैंड के नाम से जानते हैं। हाँ भाई यहां एकदम की पॉइंट लिखना पड़ेगा, इस एग्जाम्पल क्या है, तो यहां तो दो एग्जाम्पल है, बहुत अच्छे से याद रखना पड़ेगा। एक है बेटा तुम्हारा पैंक्रियास, एक है पैंक्रियास, और दूसरा है बेटा गोनाड सेल, जो हमारा जर्म सेल गोनाड सेल होता है वो भी एक तरह से मिक्स ग्लैंड की तरह काम करता है, बहुत सिंपल वे में मैंने यहां पे बताया एग्जाम्पल। अब बेटा क्या करना, जितने भी ग्लैंड्स आपके हार्मोन सिक्रीट करते हैं उसको यहां पे मेंशन कर देते हैं। स्टार्ट करेंगे हेड से, स्टार्ट करेंगे बेटा सर से, तो सर में सबसे ऊपर आता है हाइपोथैलेमस आता है, ठीक है, हाइपोथैलेमस आता है, लिख दो ऐसा, हाइपो थैलेमस, ठीक है, हाइपोथैलेमस के बाद आता है बेटा पिट्यूटरी, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड आता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को अमेरिका से पीयूष ग्रंथि कहते हैं, ठीक है भाई, ये तुम्हारा पीयूष ग्रंथि कहलाता है बेटा। इसके बाद तुम्हारा थायराइड आता है, थायराइड के साथ में लिख दो थाइमस ग्लैंड लिख दो, थायराइड का छोटा भाई है बेटा पैराथायराइड, पैराथायराइड ग्लैंड्स, ठीक है, और कौन आता है? एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड्स आते हैं बेटा, और एक आ गया, एक बच गया पीनियल ग्लैंड। इतने सारे ग्लैंड्स क्या सिक्रीट करते हैं? हार्मोन्स, सभी को ऑर्गेनाइज्ड व्यवस्थित
एंडोक्राइन ग्लैंड या अंतःस्रावी ग्लैंड कहते हैं बेटा। ये एंडो का कह देना अंतःस्रावी हिंदी में, एक्सो का हो जाएगा बेटा ब्रास्रावी हो जाएगा, और इसको हम कहते हैं बेटा मिश्रित कहते हैं, मिश्रित ग्रंथि कह दो ये लो। तो ये तुम्हारे तीन तरह के ग्रंथि हो गए हैं, अंतःस्रावी, ब्रास्रावी और मिश्रित ग्रंथि ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ सिक्रीशन। अब यहां जितने भी ग्लैंड्स के नाम है उसको छोड़ दो तो बाकी ग्लैंड्स आपके एग्जाम्पल आ जाएंगे बेटा सेकेंड वाले में। यहां पे तुम जितने भी डाइजेस्टिव ग्लैंड के नाम बताओगे, ठीक है, डाइजेस्टिव ग्लैंड, और देखो नाम देखो, मिल्क बनाता है मेमरी ग्लैंड, ऑयल बनाने वाला जैसे कि जितने भी जैसे सीबम होते हैं, सीबेशियस ग्लैंड हो गया उनकी बात कर सकते हैं, स्वेट ग्लैंड हो गया, वैक्स में ग्लैंड हो गया, म्यूकस ग्लैंड हो गया, और एंजाइम के लिए डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हो गए, ठीक है, जैसे कि गॉबलेट हो गई, ग्लॉबलेट, गॉबलेट सेल हो गया, पेनीथ हो गया, पेनीथ सेल हो गया। ये जितने भी डाइजेशन वाले बंदे होते हैं वो सब के सब क्या आते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड की कैटेगरी में आते हैं। बहुत सिंपल यहाँ पे मैंने इस चीजों को बता दिया बेटा। चलिए अब मैं अपने आप को इधर ले आता हूँ बेटा, तीन तरह के ग्लैंड्स, नेक्स्ट डेफिनेशन आपके सामने है। तीन तरह के फिर से ग्लैंड आ गया बेटा, एक है एक्राइन, एक है एपोक्राइन, और एक है आपका क्या, होलोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। तो ए मतलब यहाँ पे देखो, ए का मतलब होता है बेटा नॉट, नहीं, एपो का मतलब होता है एपिकल पार्ट, एपिकल पार्ट, एपिकल पार्ट को हिंदी में कह सकते हो शीर्षस्थ, शीर्षस्थ भाग, ठीक है, और होलो का मतलब होता है बेटा पूर्ण, ठीक है। तो देखो एक्राइन को हम क्या कह सकते हैं, अस्रावी कह सकते हैं, ठीक है, इसको हम कह सकते हैं बेटा अपस्रावी, इसका नाम हो सकता है अप स्रावी, और ये हो सकता है पूर्ण स्रावी। तो हिंदी में तीन तरह के ग्लैंड्स के नाम मैंने यहां पे मेंशन कर दिया। आप बात समझो, ऐसे ग्लैंड जो सिर्फ सिक्रीट करता है केमिकल को, देखो तो ऐसे ग्लैंड्स या ऐसी ग्रंथि जो सिर्फ केमिकल का सिक्रीशन करता हो, केमिकल का क्या करता है बेटा, सिक्रीशन करता है, सिक्रीशन करता हो, एवं सेल का कोई पार्ट, यहां से शेडिंग नहीं होता, सेल का कोई भी भाग श्रावण के साथ साथ रिलीज नहीं होता, ठीक है, रिलीज नहीं होता है, ठीक है भाई, छुप रहे क्या, इधर ले आते हैं। चलिए तो यहां पे चीजें समझो बेटा, क्या बोल रहा हूं, ऐसा ग्लैंड जो सिर्फ अपने केमिकल को जो बनाता है उसी को सिक्रीट कर रहा है, और सेल का कोई भी भाग टूट के बाहर नहीं जा रहा, उसको हम क्या कहते हैं बेटा, ए क्राइन या मीरोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। मोस्ट ऑफ द ग्लैंड्स आर कैटेगराइज इनटू दिस टाइप। मगर देखो एपो में देखो, ये देखो जो भी सिक्रीशन है वो अपने शीर्ष भाग में जाके स्टोर हुआ, फिर देखो छोटे छोटे सेल के टुकड़े हो गए और ये टुकड़े भी बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। तो मैं क्या बोलूं, देखो इस तरफ के ग्लैंड में क्या होता है, सिक्रीशन के साथ, ठीक है, कोशिका का जो शीर्षस्थ भाग होता है, कोशिका का, ठीक है भाई, शीर्षस्थ भाग भी रिलीज होती है बेटा, या स्रावित होती है बोल सकते हो, रिलीज होती है। देखो सेल का शीर्षस्थ भाग, इसलिए हमने कहा बेटा अपस्रावी, या सिस्ट का सेल का एपिकल पार्ट मतलब कि एपो, ठीक है, तो सेल का एपिकल पार्ट भी टूट के जा रहा। एग्जाम्पल आप सभी को पता है बेटा, जब हम मम्मी से मिल्क का फीडिंग करते हैं, दूध पीते हैं, तो वहां पे मम्मी के बॉडी से सिर्फ मिल्क नहीं, वहां से सेल के टुकड़े भी आते हैं। एग्जाम्पल याद रखना, मेमरी ग्लैंड,
है भाई, एग्जाम्पल है बेटा आपका मेमोरी ग्लैंड, एक एग्जाम्पल यहां याद रखो और दो एग्जाम्पल यहां पे याद रखेंगे, फिर बाकी जितने भी ग्लैंड्स आएंगे वो सब के सब रेस्ट ऑफ द ग्लैंड यहां पे लिख देंगे, रेस्ट ऑफ द ग्लैंड, जिसके नाम मैंने इस पेज में नहीं लिखा है वो सब यहीं पे आ जाएगा रेस्ट ऑफ द ग्लैंड्स में। ठीक है, चलिए मैं अपने आप को यहां पे एडजस्ट कर लेता हूं। अब यहां पे देखो, जैसे मैंने कहा भाई होलो, मतलब यहां पे क्या आ रहा है बेटा, सिक्रीशन के साथ में, सिक्रीशन के साथ, ठीक है, पुराने सेल जो होते हैं बेटा, ओल्ड सेल, ठीक है, पुराने कोशिका भी टूटकर या अलग होकर, ठीक है, अलग होकर क्या हो जाती है बेटा, स्रावित होती है। अब यार इसमें तो सिक्रीशन के साथ देखो, सिक्रीशन तो जा रहा है और पूरा का पूरा सेल भी जा रहा है, तो पूरा सेल जाने के कारण हम बोल देते हैं इसको क्या, होलोक्राइन कहते हैं बेटा। और एग्जाम्पल जो ज्यादातर आता है वो है सिबेशियस ग्लैंड, ठीक है, कौन सा है बेटा, सिबेशियस ग्लैंड, एक आपका आ जाएगा सिबेशियस ग्लैंड, दूसरा आप ले सकते हैं बेटा जाइस ग्लैंड, ठीक है, और एक है बेटा मिबोमियन ग्लैंड, मिबोमियन ग्लैंड, मगर ये तीनों याद ना हो तो एटलीस्ट एक याद करना जो सबसे पहले मैंने मेंशन किया है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी के बुक में भी ये मेंशन्ड है और एग्जाम में भी आ चुका है। तो ये हो गया बेटा दो तरह के ग्लैंड्स का क्लासिफिकेशन, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है, और मेरे ख्याल से लग रहा है कि सिंपल है, कोई टिपिकल चीजें यहाँ पे नहीं दिख रही है। ओके, तो ये हो गया बेटा तुम्हारा एक्राइन, एपोक्राइन और एक हो गया होलोक्राइन, ठीक है। अब नेक्स्ट कैटेगरी क्या है उसको भी देख लें, चलो देखते हैं उसको भी। ये लो बेटा, ग्लैंड्स यूनिसेलुलर है या फिर मल्टी सेलुलर है ऐसा पूछा जा रहा है, तो भैया क्यों ना इसको मस्त अच्छे तरीके से देखें। यदि किसी ग्लैंड का फॉर्मेशन एक सेल के अंदर में हो रहा है, देखो यहां पे सिंगल सेल के अंदर में ग्लैंड्स का फॉर्मेशन हो रहा है बेटा, तो याद रखना ये ग्लैंड्स, ठीक है, सिंगल सेल के अंदर फॉर्म हो रहा है बेटा, सिंगल सेल्ड होता है, ठीक है, मतलब एक ही सेल के मॉडिफिकेशन से, ठीक है, यहां पे ग्लैंड्स का क्या हो रहा है बेटा, ग्लैंड का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, मगर मल्टी सेलर में हम तो कह देंगे क्लस्टर्स, क्लस्टर्स ऑफ सेल, मतलब यहां पे क्या हो रहा है, बहुत से सेल, ठीक है भाई, बहुत सी कोशिकाएं या फिर बहुत से सेल, ठीक है, एक साथ फ्यूज होकर के ग्लैंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, एक साथ फ्यूज होकर के क्या हो रहा है बेटा, ग्लैंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो इसको हम क्या कर देंगे, इसको हम बोल देंगे बेटा मल्टी सेलुलर कह देंगे। अब आपके बॉडी में जितने भी ग्लैंड्स होते हैं सबको मल्टी सेलुलर में ले आना, ठीक है, क्योंकि यहां तुम्हारा लिमिटेड एग्जाम्पल है यूनि का, बस यूनि को थोड़ा सा ऐसा यहां पे एग्जाम्पल लिख दो पहले, तो रेस्ट ऑफ द ग्लैंड, जितने भी ग्लैंड्स तुम्हारे बच जाएंगे इधर लिखने के बाद वो सभी ग्लैंड को तुम यहां पे ले आना और बोलना मल्टी सेलुलर ग्लैंड से बोल देना, ठीक है भाई। चलिए तो मैं अपने आप को इधर ले आ रहा हूं बेटा, यहां हमको लिखना है दो ग्लैंड्स है और इसके नाम आप सुन चुके हैं बेटा, एक है गॉबलेट, सेल बोलना पड़ता है क्योंकि सिंगल सेल का ग्लैंड होता है गॉबलेट, और एक है बेटा पैनीथ, पैनीथ सेल, ये कहाँ के है बेटा, ये ना डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, स्टमक में प्रेजेंट होने वाले डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं, तो एलिमेंट्री कैनाल में प्रेजेंट है ये बोल देता हूं, एलिमेंट्री कैनाल में मोस्ट ऑफ दी जो ग्लैंड्स आपको मिलेंगे वो सभी जो है बेटा सिंगल सेल होते हैं। अब यार
पैंक्रियाज वैक्रियाज को टच मत करना ना, मैं बोल रहा हूँ उसी के एलिमेंट पे कैनाल के अंदर में जो ग्लैंड्स होंगे ठीक है, वो सभी जो है आपके किस में आ जाएगा, यूनिसेलुलर की कैटेगरी में आ जाएगा। तो ये रहा बेटा तीन तरह का क्लासिफिकेशन, यूनि और मल्टीसेलुलर ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल के बेस पे है ठीक है। इसके बाद जैसे कि यहां पे हम देखें भाई, यहां पे क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सिक्रीशन है बेटा, एक्राइन एपोक्राइन और होलोक्राइन है ठीक है। यहां पे आते हैं तो एंडोक्राइन एक्सोक्राइन और मिक्स ग्लैंड की तीन आपको कैटेगरी मिलती है। तो याद रखना एग्जाम में कभी क्वेश्चन पूछे कि कितने तरह के ग्लैंड्स होते हैं, तो यहां देख लेना किस बारे में पूछ रहा है। यदि सिक्रीशन के मोड के बारे में पूछ रहा है तो तीन, यदि वो नेचर प्रकृति ऑफ सिक्रीशन की बात कर रहा है तो भी तीन, मगर नंबर ऑफ सेल के बेस पे पूछ रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा आपका दो कैटेगरी आ जाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है बेटा कि एपिथीलियम टिश्यू में जो ग्लैंड्स का मॉडिफिकेशन है मेरे प्यारे बच्चों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है ठीक है। तो बेटा मुबारक हो, आपका पहला टिश्यू कंप्लीट हो चुका है जिसका नाम था एपिथीलियम। अब हमको सेकेंड नंबर के टिश्यू को कवर करना है जिसका नाम है बेटा कनेक्टिव टिश्यू ठीक है। तो कनेक्टिव टिश्यू में वैसे तो देखो हम कोशिश कर रहे हैं कि हिंदी में बहुत सारी चीजें हो पाए ठीक है, मगर एक तो ये है कि बेटा हिंदी में लिखते लिखते टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम होता है, इसलिए बीच बीच में जो टर्मिनोलॉजीज हैं और सेल के जो नाम हैं, अच्छा गॉबलेट सेल को कलश कोशिका कहते हैं, यदि हिंदी में बोलना चाहूं तो इसको कहते हैं बेटा कलश ठीक है, कलश कोशिका के नाम से इसको जानते हैं। ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है इसलिए मैंने आपको मेंशन कर दिया है। तो ग्लैंड्स कंप्लीट करते हैं बेटा और नेक्स्ट टिश्यू की तरफ जाते हैं जिसका नाम क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। तो चलिए बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि भाई कनेक्टिव टिश्यू क्या है, कैसा है, वो सब देख लेते हैं बेटा। यहां पे हेडिंग पुट करते हैं सेकेंड नंबर का कनेक्ट, मतलब सेकेंड नंबर का टिश्यू है बेटा, नाम है कनेक्टिव टिश्यू ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू को हिंदी में कहते हैं बेटा संयोजी ऊतक कहते हैं, क्या कहते हैं, संयोजी ऊतक के नाम से जानते हैं। और ये जो संयोजी ऊतक होता है बेटा, इसके बारे में एक लाइन समझ लेना यार, कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोला जा रहा है ना भाई। सबसे पहला रीजन तो ये है कि भाई कनेक्टिव टिश्यू बोलने का रीजन क्या है, मुझे ऐसा लगता है ये आपके बॉडी में बहुत से संरचनाओं को या स्ट्रक्चर्स को जोड़ने का काम करता होगा जिसके कारण हम इसको कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। तो एक यार सिंपली तो यही डिफाइन कर सकते हैं कि भाई मानव शरीर में हम अपनी बात कर रहे हैं ठीक है ना भाई, तो मानव शरीर में विभिन्न संरचनाओं को, विभिन्न संरचनाओं को ठीक है, संरचनाओं में यहां पे एक और ले लेना, संरचनाओं मतलब हम बात करें बेटा स्ट्रक्चर्स को ठीक है, विभिन्न संरचनाओं को जोड़ने का कार्य करता है, जोड़ने का कार्य करता है, और इसी के कारण हम इस कनेक्टिव, इस टिश्यू को हम कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। बेटा आपकी बॉडी में जो कनेक्टिव टिश्यू होता है उसका एक की पॉइंट है बेटा ठीक है, मोस्ट अबंडेंट, मोस्ट अबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, मोस्ट अबंडेंट एंड वाइडली क्या डिस्ट्रीब्यूटेड होता है बेटा, आपके बॉडी में बहुताय मात्रा में प्रेजेंट होगा और एकदम ज्यादा क्या होगा, विस्तृत होगा, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब कि आपकी पूरी बॉडी में फैला हुआ होगा। तो दो कैरेक्टरिस्टिक्स यहां पे जान लेना, इसका जो उत्पत्ति है बेटा ओरिजिन है ठीक है, उत्पत्ति या हम बात करें ओरिजिन का, ओरिजिन होता है बेटा मीजोडर्मल होता है। ओरिजिन कैसा होता है, मीजोडर्मल जर्म लेयर से आपका कनेक्टिव टिश्यू बनता है, चाहे वो कोई भी टाइप का कनेक्टिव टिश्यू क्यों ना हो, सभी के सभी मीजोडर्मल ही होते हैं, इसीलिए इसे एक और नाम से जानते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, मेसेन काइमा कहते हैं, मेसेन काइम ठीक है,
मेसेनकाइम के नाम से भी जानते हैं आपके कनेक्टिव टिश्यू को, क्योंकि इसका जो ओरिजिन है वो मीजोडर्मल होता है। ठीक है, हिंदी में भी चाहो तो ऐसा ही लिख लो ना, मीजो, ठीक है, डर्मल, ठीक है भाई। मीजोडर्मल होने के कारण इसको मेसेनकाइमा के नाम से जानते हैं। मोस्ट अबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में होती है बेटा। और कनेक्टिव टिश्यू का काम क्या है, आपके बॉडी को, आपके बॉडी के स्ट्रक्चर्स को जोड़ने के काम आता है बेटा। कनेक्टिव टिश्यू की खास बात क्या है, सुनना ध्यान से। किसी कनेक्टिव टिश्यू में कुछ खास बातें ये है बेटा कि भाई कनेक्टिव टिश्यू को आप जब भी लिखना रहेगा, मैं सीटी लिखूंगा, सीटी मतलब कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू में सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा एक तुम्हारा मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को हिंदी में कहते हैं बेटा अधात्री कहते हैं, ठीक है। अधात्री हो गया, एक हो गया बेटा फाइबर, मैट्रिक्स, अधात्री एवं और एक ले लेना, तीन ले लो भाई, ठीक है। मैट्रिक्स हो गया नंबर वन, तुम्हारा फाइबर हो गया नंबर टू, और तीसरे नंबर में एक और कंपोनेंट को ले लेना बेटा, इनके सेल्स, ठीक है, सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो तीसरे नंबर पे आ गया आपका सेल। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और इन्हीं से मिलकर के आपका कनेक्टिव टिश्यू बनता है। कोई कनेक्टिव टिश्यू बिना मैट्रिक्स और फाइबर के नहीं बन सकता। तो यहां पे एक बात हम मेंशन कर सकते हैं भाई कि सभी कनेक्टिव टिश्यू में फाइबर होते हैं, ठीक है भाई। यहां पे एक बात मेंशन कर दो, सभी कनेक्टिव टिश्यू में फाइबर, ठीक है, हिंदी में फाइबर बोलूं या फिर तुम कह सकते हो बेटा तंतु कह सकते हो, ठीक है। तो सभी कनेक्टिव टिश्यू में फाइबर या फिर तंतु उपस्थित होती है, उपस्थित होती है, मगर इसका एक अपवाद है बेटा, एक एक्सेप्शन है, ठीक है। एक्सेप्शन का मतलब तो आप सभी जानते होंगे, अपवाद है, जिनके पास फाइबर नहीं होता वह है तुम्हारा ब्लड, ठीक है। ब्लड कैसा है तो बोलना फाइबर फ्री, बिना फाइबर के, फाइबर फ्री कनेक्टिव टिश्यू है, इसीलिए ये बेटा झूठा कनेक्टिव टिश्यू कहलाता है, फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू के नाम से जानते हैं आपके ब्लड को, ठीक है। तो भाई जो कनेक्टिव टिश्यू है, जितने भी कनेक्टिव टिश्यू पड़ेंगे सभी के पास फाइबर प्रेजेंट होगा, एक एक्सेप्शन लेके चलना तुम, जिसका नाम है बेटा ब्लड। ब्लड और लिम्ब भी ले सकते हैं, मगर लिम्ब की बात हम नहीं कर रहे हैं, बस इतना मान के चलना कि फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू में कौन आता है, तो लिक्विड टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज आते हैं। लिक्विड टाइप में दो एग्जांपल हैं, एक आपका बेटा ये क्या है ब्लड, और एक आपका क्या है लिम्फ है, ठीक है भाई। अब मैं ये कहता हूं भाई कि कनेक्टिव टिश्यू को हम देखो, तो कनेक्टिव टिश्यू को हम तीन तरह से अलग अलग डिफरेंशिएट कर सकते हैं, कैटेगरी नंबर वन, कैटेगरी नंबर टू, और ये कैटेगरी नंबर थ्री, तीन अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है भाई। एक है बेटा कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर कह दो, एक है कनेक्टिव टिश्यू स्केलेटन कह दो, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, कनेक्टिव टिश्यू स्केलेटन, और कनेक्टिव टिश्यू में यहां पे जो फॉल्स वाला होता है अलग रख देना, इसको बोल देना वास्कुलर कह देना। कनेक्टिव टिश्यू वन प्रॉपर, टू में स्केलेटल, और थ्री में आ जाएगा बेटा आपका क्या, वास्कुलर के फॉर्म में प्रेजेंट होगी। तो याद रखना जो प्रॉपर होता है उसमें जो तुम्हारा मैट्रिक्स होगा बेटा वो सॉफ्ट होगा और फाइब्रस होगा। इसका मैट्रिक्स या अधात्री कैसा होगा, याद रखना सॉफ्ट एंड कैसा होगा बेटा, फाइबर युक्त होगा, फाइबर यहां पे प्रेजेंट होगी, ठीक है। जैसे हम स्केलेटन की बात करेंगे तो आपको पता है कि यहां पे तुम्हारा जो स्केलेटन वाला टर्म्स जो यूज कर रहे हो वो मैट्रिक्स के मिनरलाइजेशन से बनता है, मिनरलाइजेशन ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स में एक नाम ले लेना कैल्शियम, कैल्शियम के मिनरलाइजेशन के कारण, मतलब कैल्शियम के संग्रहित होने से
ठीक है, संग्रहित होने से मैट्रिक्स क्या हो जाता है बेटा, ठोस हो जाता है, और जिनका मैट्रिक्स बहुत ज्यादा ठोस है उसको हम कह देंगे स्केलेटन, जिसमें तुम बोन वोन के बारे में पढ़ोगे, और वस्कुलर में बोल देना कि ये बेचारा फाइबर फ्री है, फाइबर फ्री है, हिंदी में इसको बोलते हैं बेटा क्या, तंतुहीन, ठीक है, तंतुहीन है, और बेटा तरल फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और आपको पता है कि इसके एग्जाम्पल कौन है, दो ही तो है, ब्लड और आपका बेटा लिम्फ, रक्त और लसिकाएं जो होती है वो इसी की कैटेगरी में आता है। तो आई होप कि यहाँ पे दो जो हमने क्राइटेरिया बनाया है कि फाइबर वाला और बिना फाइबर वाला, तो वहां आपको दिख रहा है, ठीक है। मगर चलो क्यों ना कनेक्टिव टिश्यू को प्रॉपर हम क्या करते हैं बेटा, टाइप्स में डिवाइड करते हैं। तो ये देखो कनेक्टिव टिश्यू को हमने क्या किया है भाई, यहाँ पे ऐसे हमने डिवाइड कर दिया है, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू कितने तरह के होते हैं तो बोल देना भाई, ये तीन तरह के कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा आपका टू और ये हो जाएगा आपका थ्री हो जाएगा बेटा, ठीक है भाई। अब कनेक्टिव टिश्यू जो वन है इसकी बात करते हैं बेटा, ये कहलाता है लूज कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा वाला कहलाता है बेटा डेंस कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड वाला कहलाता है बेटा, इसको हम कहते हैं स्पेशलाइज्ड, क्या कहते हैं, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं, सभी को हिंदी में मेंशन करते हैं बेटा। लूज को लचीला भी बोलते हैं, मगर ज्यादा अच्छा रहेगा एकदम स्पेसिफिक नाम शिथिल, ठीक है भाई, शिथिल संयोजी क्या है, उत्तक है, ठीक है। आपका इधर डेंस मतलब हो जाएगा बेटा सघन, ठीक है, और स्पेशलाइज्ड का मतलब हो जाएगा आपका विशिष्ट हो जाएगा, और बाकी को यहां से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है भाई, बाकी को यहां से कॉपी कर लो, तो ये हो जाएगा सघन संयोजी उत्तक हो गया, और ये तुम्हारा हो गया बेटा स्पेशलाइज्ड या फिर विशिष्ट संयोजी उत्तक की बात कर लेते हैं। अब यहां पे हम क्या करेंगे, इसको ना बेटा दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। लूज कनेक्टिव टिश्यू दो तरह के होते हैं ऐसा आप बोल दो, ठीक है भाई, डेंस कनेक्टिव टिश्यू को भी दो तरह से ले आओ, एक ठीक है और ये दूसरा, दो हो गया बेटा। अब क्या करो, इसको कॉपी कर लो यार, पूरे में ले आते हैं चलो, ठीक है। डेंस जो कनेक्टिव टिश्यू होता है बेटा ये भी टू टाइप्स के होते हैं, और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू भी दो तरह के होते हैं ऐसा आप लेबल कर दो, और यहाँ पे हम क्या करते हैं इसको डिफरेंशिएट करने की कोशिश करते हैं। तो चलो मैं अपने आप को यहाँ से दूर ले जाता हूँ तीसरे कैटेगरी में, बहुत सिंपल, बहुत अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे भाई, हिंदी मीडियम का बच्चा हो चाहे इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो, जो कंटेंट मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ बहुत सिंपल वे में प्रोवाइड कर रहा हूँ बेटा, बस ध्यान से पढ़ना है यार, ठीक है, क्योंकि पढ़ना तो आपको है, सुदेश सर कितना भी कंटेंट आपको प्रोवाइड कर दे जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करते हैं तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। सो प्लीज आप अपने आप को कंसिस्टेंट रखें ताकि एग्जाम को क्वालिफाई करने में आपको कोई भी बैरियर या फिर कोई अदर चीजों को फेस ना करना पड़े, ठीक है। चलिए भाई, लूज कनेक्टिव टिश्यू दो तरह के होते हैं बेटा, एक को हम कहते हैं एरियोलर, पहला नाम क्या है एरियोलर, फिर लूज को एल लिख दूं, कनेक्टिव टिश्यू को लिख देता हूं बेटा सी टी लिख देता हूं, एकदम शॉर्टकट फॉर्म में अच्छा रहेगा, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, और दूसरा कहलाता है बेटा आपका एडिपोज, ठीक है, एडिपोज लूज कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज को हम वसी, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं बेटा वसी, लूज को बोल सकते हैं शिथिल, ठीक है, शिथिल संयोजी क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं बेटा। इसका नाम बड़ा एरियोलर का बड़ा अजीब है, बट ठीक है अभी देखेंगे इसको, चीजें समझ में आ जाएगी।
जब इसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा तो वहां पे कोशिश करूंगा कि हिंदी में लिखूं। अभी फिलहाल ये समझो, लूज कनेक्टिव टिश्यू दो तरह के होते हैं। अच्छा, लूज और डेंस में डिफरेंस क्या है? तो बेटा मैट्रिक्स मतलब अधात्री ज्यादा है, इनके पास मैट्रिक्स ज्यादा होता है और फाइबर होते हैं कम, मगर सेकेंड वाले के पास में उल्टा हो जाएगा बेटा, जो तुम्हारा मैट्रिक्स है वो हो जाता है कम और जो फाइबर होता है वो हो जाता है ज्यादा। और इसमें तो अलग ही बात है, विशेष क्यों हूं मैं? क्योंकि मैं बन गया है टोटल सॉलिड, मैं बन गया है टोटल लिक्विड, इसीलिए मैं स्पेशल हूं। और स्पेशल में सॉलिड और लिक्विड के फॉर्म में दो पार्ट में अलग अलग हमको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। अब यहां देख लो तुम लोग कि भैया दो तरह से यहां भी आ गया सघन में, एक को हम कहते हैं बेटा रेगुलर और एक को हम क्या कहते हैं इरेगुलर। तो दो तरह का हो गया, रेगुलर को तुम कह दो बेटा नियमित और इसको अनियमित कह दो। ठीक है भाई, ये हमारा अनियमित कहलाया बेटा। विशेष वाला या तो ठोस होगा या तो तरल के फॉर्म में होगा, और ठोस वाला बंदे का नाम दो है बेटा, एक है आपका बोन या अस्थि कह दो इसको, एक है आपका बेटा कार्टिलेज, और कार्टिलेज को हिंदी में क्या कहते हैं बेटा, उपास्थि कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? उपास्थि कहते हैं, रुक जाओ, उपास्थि ये ऐसा लिखते हैं। ठीक है भाई, उपास्थि। लिक्विड में दो हो जाएगा बेटा वन एंड टू, एक हो जाएगा ब्लड या फिर आप बोल दो रक्त कण, और यहां पे आ जाएगा लिम्फ, लिम्फ को बोल दो बेटा लसिका। ठीक है, लस्सी का मत बोल देना, लसिका है बेटा। ठीक है, तो ये हो गए तुम्हारे कनेक्टिव टिश्यू के तीन अलग अलग प्रकार, लूज डेंस स्पेशलाइज्ड। लूज में दो टाइप्स हो गए बेटा, एक आपका कहलाएगा एरियोलर और दूसरा कहलाएगा आपका एडिपोज। डेंस में भी दो तरह के हो गए बेटा, एक को हम कहेंगे रेगुलर और एक को हम कहेंगे इरेगुलर टाइप कहेंगे। और स्पेशलाइज्ड में भी दो तरह के होते हैं, सॉलिड और लिक्विड। सॉलिड में दो बोन और कार्टिलेज, लिक्विड में दो आपके ब्लड और लिम्फ। ये हो गए टोटल क्लासिफिकेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो बेटा ये सभी चीजें आपको देखने को मिल जाएगा, बहुत सिंपल फॉर्म में मैंने आपको बताया हुआ है। तो पहले क्या करना है हमको, हमको अभी ना बेटा कनेक्टिव टिश्यू स्टार्ट करने से पहले उनके तीन कंपोनेंट्स के बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, तीन कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ना है, घटक। ठीक है भाई, कनेक्टिव टिश्यू के घटक के बारे में हमको पढ़ना है। सबसे पहला घटक है बेटा सेल्स। सेल्स या फिर कौन कौन सी कोशिकाएं हैं जिसको हमको कवर करना है। दूसरा जो घटक बनता है बेटा वो बनता है आपका फाइबर, और तीसरा जो घटक बनता है बेटा ये आपका बन जाता है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को अधात्री कहते हैं, फाइबर को तंतु कहते हैं। आप चाहो तो मैं हिंदी में भी नोट कर सकता हूं, यहां पे तंतु लिख दो, यहां पे लिख दो बेटा अधात्री। ठीक है, तो बेटा तीन कंपोनेंट्स होते हैं आप के कनेक्टिव टिश्यू के। लेबल भी कर दो भाई, कनेक्टिव टिश्यू का टाइप वन, कनेक्टिव टिश्यू का टाइप टू और कनेक्टिव टिश्यू का टाइप थ्री। तीन तरह के घटक हो गए। अब यहां पे सेल कौन कौन से होते हैं, ए, ठीक है, बी और ये सी। ये तीन को मेनली याद करना है बेटा। पहला जो सेल है वो है आपका फाइब्रोब्लास्ट, फाइब्रो ब्लास्ट। दूसरा है बेटा आपका मास्ट सेल। तीसरा है बेटा आपका मैक्रोफेज। क्या है? मैक्रोफेज जो है वो थर्ड नंबर पे आता है। फाइब्रो ब्लास्ट मतलब इसका हिंदी में नाम होता है बेटा तंतु कोरक।
है, तंतुकोरक। मास्ट सेल को मास्ट सेल ही कहते हैं, मैक्रोफेज को महाभक्षकाणु कहते हैं, ठीक है, महाभक्ष महा या महाभक्ष भक्षाणु ही बोल दो, ठीक है, खाने वाला भक्षक है एक तरह का, ठीक है। तो ये तीन तरह के आपके पास क्या मिल जाएगा, एक मिनट इसको थोड़ा सा यहाँ पास में एडजस्ट कर लेते हैं, तीन हो गए बेटा यहाँ पे। इसके साथ साथ और भी होते हैं बेटा, जैसे लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट में कौन है, तो याद रखना बी सेल। बी सेल से क्या बनता है, प्लाज्मा सेल। बी सेल से क्या बनता है, प्लाज्मा सेल। और प्लाज्मा सेल से क्या बनता है, तो बोल देना बेटा यही वो प्लाज्मा सेल है जो बनाता है एंटीबॉडी, ठीक है। वैसे एंटीबॉडी तो सबको पता होगा, ठीक है, कोविड के टाइम में रामदेव बाबा का काढ़ा तो सबने पिया है बेटा, ताकि आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो सके। और आप इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने की कोशिश कर रहे थे, मतलब आप अपनी बॉडी में बेहतर इम्यून सिस्टम को डेवलप करना चाहते थे, एंटीबॉडी को लाना चाहते थे, ठीक है। फाइबर तीन है बेटा, फाइबर तीनों को पढ़ना है, नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री। पहला फाइबर है कोलेजन, हिंदी में भी क्या कहते हैं इसको, कोलेजन कहते हैं। सेकेंड फाइबर है बेटा इलास्टीन, हिंदी में भी इसको क्या कहते हैं, इलास्टीन कहते हैं, ठीक है। और थर्ड नंबर का फाइबर आ जाता है, थर्ड नंबर में आता है बेटा रेटिकुलर, ठीक है, रेटिकुलर क्या बोलेंगे, फाइबर कहेंगे। ये तीनों के तीनों यहाँ पे क्या आते हैं बेटा, प्रेजेंट होते हैं, ओके। अब आ गया मैट्रिक्स, तो याद रखना मैट्रिक्स दैट इज द टाइप ऑफ म्यूकोपॉलीसेकेराइड। म्यूकोपॉली सेकेराइड है बेटा, नाम क्या है उसका, हाइलुरोनिक एसिड, ठीक है, हाइलुरोनिक एसिड है, हाई कर दो, लुरोनिक कह दो, फिर उसका नेचर कैसा है, तो एसिड कह दो। तो हाइलुरोनिक एसिड से बना होता है आपका एनिमल सीमेंट, और एनिमल सीमेंट कौन है, तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि भाई हाइलुरोनिक एसिड है जो सेल को जोड़ने का काम करता है, और आपके कनेक्टिव टिश्यू में अधात्री या फिर मैट्रिक्स का काम करता है बेटा। तो ये देखो तीन घटक हो गए आपके कनेक्टिव टिश्यू के, ठीक है, एक घटक तो इतना ही पढ़ लो और ये खत्म हो गया। अब हमको क्या करना है बेटा, सेल पढ़ना है और उसके बाद हमको फाइबर पढ़ना है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम क्या करते हैं बेटा, सेल और फाइबर को कंप्लीट कर लेते हैं, और उसके बाद फिर कनेक्टिव टिश्यू के जो तीन टाइप्स हमने पढ़ा था उसको नेक्स्ट वाले लेक्चर में पूरा कंप्लीट करेंगे, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू और आपका स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू को, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बेटा कोशिकाएं, ठीक है। तो नेक्स्ट आ गया कनेक्टिव टिश्यू के, ठीक है, कोशिकाएं या कोशिकाओं के बारे में हम बात करेंगे बेटा। सबसे पहला कोशिका और सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये, जिसका नाम क्या है, फाइब्रोब्लास्ट है। क्या नाम है, फाइब्रोब्लास्ट। फाइब्रोब्लास्ट को क्या कहते हैं, तो बोल देना तंतु कोरक कहते हैं, तंतु कोरक कहते हैं। देखो तंतु कोरक मतलब तंतु को बनाने वाला, फाइबर बनाता है बेटा, ठीक है। ये सेल दिखता कैसे बेटा, सेल का आकार कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, डायग्राम नहीं लाया हूं, ठीक है, ये ऐसा सेल दिखेगा आपको, ये ऐसा दिखेगा आपको, ये ऐसा दिखेगा। देखो सेल का कोई आकार नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो याद रखना बेटा जो फाइब्रोब्लास्ट होता है वो इररेगुलर शेप का होता है, ठीक है भाई, इसका अनियमित आकार होती है, ठीक है। न्यूक्लियस प्रेजेंट है बेटा, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और वो भी एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और देखने में देखो शाखाएं दिख रही है, ब्रांचेस दिख रहे हैं, ठीक है, ब्रांच्ड होता है बेटा, याद रखना शाखाएं उपस्थित होती है
आपके फाइब्रोब्लास्ट कोशिकाओं में। ठीक है, तो यार बड़ा अच्छा लग रहा है ये जो है। मैं ये कहता हूं कि भैया फाइब्रोब्लास्ट का सबसे मेन काम क्या है, सबसे मुख्य कार्य, तो पहला नंबर में हम लिख के चलते हैं बेटा मुख्य कार्य, मेन फंक्शन क्या है। ठीक है, तो जैसे कि नाम है वैसे इसका मेन काम है तंतु कोरक, मतलब ये तंतु बनाता है, यही इसका मेन काम है। ठीक है, तो चलिए तंतु बनवा देते हैं बेचारे से। सबसे मुख्य कार्य बेटा फाइब्रोब्लास्ट का मुख्य कार्य है क्या बनाना बेटा, फाइबर का फॉर्मेशन करना, फाइबर मतलब तंतु का क्या करना, सिक्रीशन करना। ठीक है, तंतु को प्रोड्यूस करता है दोनों तरह के बेटा, तुम्हारा जो मेन तंतु कौन है, कोलेजन है, कोलेजन और इलास्टीन दोनों को सिक्रीट करने का काम, सबसे मुख्य काम किसका है, तो आपने देखा कि आपके फाइब्रोब्लास्ट का है। दूसरा काम ये है बेटा, अच्छा एक मिनट इसको तो हटा दो अभी, सेकेंड नंबर का काम यहां पे लिख देते हैं, सेकेंड काम क्या है, तो बेटा ये ना मैट्रिक्स भी बनाता है। ठीक है, तो मैंने कहा मैट्रिक्स या अधात्री का भी क्या करता है बेटा, ये निर्माण करता है, अधात्री का भी निर्माण करता है। इसीलिए देख लो, एक कनेक्टिव टिश्यू की सबसे मेन चीज तो फाइबर है, दूसरा मैट्रिक्स है, और दोनों कौन बना रहा है, फाइब्रोब्लास्ट बना रहा है। इसीलिए हमारा जो फाइब्रोब्लास्ट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बेटा। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मगर अब मैं कहता हूं इसका एक काम तो और डेंजरस है। ठीक है, ये जो फाइब्रोब्लास्ट है बेटा ये अनडिफरेंशिएटेड होता है। ये क्या होता है, अनडिफरेंशिएटेड होता है, अनडिफरेंशिएटेड का मतलब होता है बेटा अविभेदित होता है। ठीक है, मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल आप सुदेश सर के बारे में जानते हैं बेटा, आज मैं दुनिया में कहीं भी पढ़ा रहा हूं, मैं टीचर हूं, मुझे मेरी एज 30 की हो गई है, मैं 50 साल बाद भी, मतलब 50 साल बाद तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा, मेरी एज जब 50 हो जाएगी तो भी मैं टीचर ही हूं, मेरा नेचर, मेरा डिफरेंशिएशन टीचर है। मगर आज मेरा बच्चा जो पीजीटी की तैयारी कर रहा है, हो सकता है कि टीचर ना बन करके वो कुछ बेहतर ऑफिसर बन गए। तो आपका काम डिफरेंशिएटेड नहीं है, मगर मेरा काम डिफरेंशिएट हो चुका है। ठीक है, तो फाइब्रोब्लास्ट जो अनडिफरेंशिएटेड सेल होती है ये डिफरेंशिएट होकर के दो तरह के सेल बना सकती है। वो दो तरह के सेल के नाम क्या है, तो एक बना सकता है बेटा यहां पे ऑस्टियो ब्लास्ट, क्या बना सकता है, ऑस्टियो ब्लास्ट बना सकता है, इसको तुम क्या कह सकते हो बेटा, अस्थि कोरक कह सकते हो। ठीक है, जब भी पीछे कोरक लगाते हैं मतलब बनाने वाला हो गया। और एक है बेटा कॉन्ड्रो, कॉन्ड्रो ब्लास्ट, तो कॉन्ड्रोब्लास्ट जब बोल देंगे तो ये है बेटा उपास्थि वाला। ठीक है, उपास्थि कोरक कह देंगे। तो ये देखो दो तरह के सेल को बनाता है बेटा, ये अस्थि को बनाने वाला सेल है और ये उपास्थि को बनाने वाला सेल है। अस्थि बनती है ऑस्टियोसाइट से, इसे ऑस्टियोसाइट से, और ये बनता है बेटा कॉन्ड्रोसाइट से। ठीक है, बोन का फॉर्मेशन, ये बोन का यूनिट है बेटा, ये तुम्हारा कार्टिलेज का यूनिट है, कार्टिलेज का यूनिट कह सकते हैं, बेसिक यूनिट ऑफ बोन एंड कार्टिलेज यदि आप बोलते हैं तो यही दोनों कहलाते हैं बेटा। इनको हम क्या कहेंगे, बोन को बनाने वाला सेल, बोन फॉर्मिंग सेल, बोन फॉर्मिंग सेल। और ये नीचे वाला बेटा कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल है, क्यों ना इसको चारों को यहां पे लेबल कर दें, 1 2, ये तुम्हारा 3 और ये तुम्हारा 4, सबके नाम लिखते हैं। देखो चार तरह के सेल इसमें ब्लास्ट और क्लास्ट और आ जाएगा, इधर देख लो ऑस्टियो ब्लास्ट, ठीक है, यहां पे देख लो कॉन्ड्रो,
ब्लास्ट। अब ना बेटा सेम नाम लिख के ना क्लास्ट लिखना है, ठीक है। यहां आ जाएगा ऑस्टियो क्लास्ट, और यहां आ जाएगा बेटा तुम्हारा कॉन्ड्रो, कॉन्ड्रो क्लास्ट आ जाएगा, ठीक है। मतलब चार तरह की कैटेगरी हो गई आपकी यहां पे। हिंदी में लिखते जाओ सबका नाम। ऑस्टियो ये कौन है? अस्थि, ठीक है, अस्थि कोरक है। और ये क्या है बेटा? उपास्थि कोरक है, उपास्थि कोरक है, ठीक है भाई। अब ये लोग यार क्लास्ट मतलब खाने वाला बेटा, तो इसको हम कह देते हैं ये तुम्हारा अस्थि नाशक है, ये भी नाशक है बेटा, उपास्थि नाशक कह दो उसको, उपास्थि। और ये आ जाएगा आपका नाशक आ जाएगा, ठीक। तो देखो चार तरह के सेल हो गए। ये क्या करता है? तो बोन को बनाने वाला सेल, बोन को बनाने वाला बोन को बनाने वाला सेल है ये, बोन को खाने वाला सेल है। नाशक मतलब खा जाता है बेटा, बोन को खाने वाला सेल है ये। तुम्हारे कार्टिलेज को बनाने वाला सेल है, कार्टिलेज को बनाने वाला, और ये बेटा कार्टिलेज को खाने वाला है। तो कार्टिलेज को खाने वाला, चार तरह के आपके सेल होते हैं जो आपकी बॉडी में प्रेजेंट होती है। आपको पता होगा जब हमारा उम्र बढ़ता है, जैसे हमारे दादा लोग, तो दादा लोग की जब उम्र बढ़ जाती है बेटा, तो उनकी हड्डियां जो है पतली हो जाती है और उनके जोड़ों में बहुत ज्यादा दर्द होता है, हड्डियां कमजोर हो जाती है। कमजोर होने का रीजन है बेटा पैराथायराइड हार्मोन। ये जो पैराथायराइड हार्मोन होता है वो जाकर के ऑस्टियोक्लास्ट अस्थि नाशक को एक्टिवेट कर देता है, जिसके कारण वो बोन के सेल को खाने लगते हैं, जिसके कारण आपकी बोन कमजोर हो जाती है और आपको एक बीमारी हो जाती है जिसका नाम है बेटा ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है। उसको हम क्या बोल देंगे? ऑस्टियोपोरोसिस कह देंगे। तो ये हो गया बेटा एक सेल आपका कंप्लीट हो गया, फाइब्रोब्लास्ट, ठीक है। सेकेंड सेल के बारे में यहां पे पढ़ते हैं बेटा, नंबर टू किसको पढ़ ले पहले? मैक्रोफेज पढ़ लेते हैं, चलो मैक्रोफेज के बारे में पढ़ लेते हैं पहले, और उसके बाद थर्ड नंबर पे हम पढ़ लेंगे आपके मास्ट सेल के बारे में। तो सबसे पहले कैसा करते हैं कि भाई मैक्रोफेज का एक डायग्राम बना लेते हैं बेटा। तो मैक्रोफेज का डायग्राम तो मैं बहुत खूबसूरत बनाता हूँ, क्योंकि इसमें टेंशन नहीं है बेटा। अमीबा जैसा स्ट्रक्चर दिखता है, जैसा मन करे वैसा स्ट्रक्चर बना सकते हो, ऐसा मस्त लड्डू जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है। इनमें बेटा बीन शेप्ड न्यूक्लियस होता है अंदर में, ऐसा एक सिंगल न्यूक्लियस होगी, और है तो एग्रेन्यूलोसाइट। चलो मैक्रोफेज के बारे में लिखते हैं, ये बंदा मेन फैगोसाइटिक होता है, ठीक है। फैगोसाइटिक सेल होती है बेटा, इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि फैगोसाइटिक को कैसे मेंशन कर सकते हैं बेटा, कि फैगोसाइटिक मतलब आप बोल सकते हैं कि सेल को खाने वाला। तो बेटा यहां पे बोल दो कोशिका भक्षक होता है, ठीक है भाई। कोशिका को खाने वाले सेल को हम क्या कहते हैं? फेगोसाइटिक सेल। याद रखना मैक्रोफेज एक तरह का मेन फेगोसाइटिक सेल होता है बेटा। दैट इज द एग्जांपल ऑफ ए ग्रेन्यूलोसाइट। इनमें ग्रेन्यूल्स नहीं होते, ठीक है। ए ग्रेन्यूलोसाइट में या ए ग्रेन्यूलोसाइट के एग्जांपल में आते हैं, मगर इसके पूरे साइटोप्लाज्म में लगता है कि ग्रेन्यूल है। जैसे ये देखो इसके साइटोप्लाज्म में ऐसे ऐसा आपको ग्रेन्यूल देखने को मिलता है और लगता है कि ग्रेन्यूलोसाइट है, बट बेटा ये ग्रेन्यूलोसाइट नहीं, ये लाइसोजोम है। क्या है? लाइसोजोम है। और लाइसोजोम को आपको पता ही बेटा आत्महत्या की थैली है। तो किसी भी सेल को, जैसे मान लो कोई ऐसा कण है, ठीक है, पार्टिकल है या फिर डेड सेल है, ठीक है। डेड सेल जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होती है, जो हमारे बॉडी के लिए या बेटा हानिकारक है या कोई काम का नहीं है, ठीक है।
उसे क्या करता है ये बेटा, डिग्रेड करके बाहर निकाल देता है, डिग्रेड कर देता है। कुल मिला के आपके कनेक्टिव टिश्यू को साफ सफाई करने का काम कर रहा है। कनेक्टिव टिश्यू में क्या करता है बेटा, क्लीनिंग करता है, क्लीनिंग करता है भाई। सीधा साफ सफाई, झाड़ू पोछा करने वाला बंदा है, तो साफ सफाई करने वाला बंदा है, तो क्यों ना इसको मैं एक नाम दे दूं बेटा, आयरन मैन को हम एवेंजर कहते हैं, इसको हम स्कैवेंजर कहते हैं बेटा, ऑल्सो कॉल्ड क्या कहेंगे इसको, स्कैवेंजर्स कहते हैं बेटा। स्कैवेंजर्स का मतलब ये ऊपर लिखा हुआ है, जो पूरे बॉडी को साफ सफाई करके रख दे उसको हम क्या कहते हैं, स्कैवेंजर कहते हैं। आपका जो मैक्रोफेज है वो स्कैवेंजर ही होता है, और मेन फैगोसाइटोसिस करता है, ठीक है। ये क्या करता है, तो फैगो साइटोसिस के प्रोसेस को, ठीक है, ये बंदा जो है वो क्या करता है बेटा, प्रमोट करता है, या फिर खुद फेगोसाइटोसिस के प्रोसेस को क्या करता है, रेगुलेट करने का काम करता है, ऐसा आप बोल सकते हैं, ठीक है। जो हमारा थर्ड नंबर का सेल है बेटा, उसको हम कहते हैं आपका मास्ट सेल, नंबर थ्री बंदे का नाम है मास्ट सेल, ठीक है। और मास्ट सेल के बारे में यदि हमको जानना है, हिंदी में भी इसको क्या कहते हैं बेटा, मास्ट कोशिका कहेंगे, ठीक है। तो मास्ट सेल भी दिखने में कैसा है बेटा, एमोबॉइडल है, ठीक है। और इनका जो न्यूक्लियस होता है वो मेरे नाम पे है, एस शेप्ड न्यूक्लियस होता है बेटा, सुदेश साहू न्यूक्लियस आप बोल सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम देख रहे थे बेटा कि कनेक्टिव टिश्यू के तीन कोशिकाएं होती है, जिसमें से तीसरा हमारा जो क्या है, मास्ट सेल होता है बेटा। तो मास्ट सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो एस शेप्ड होता है, और लगभग तीन यहाँ पे लोब प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट तो यही मेंशन कर लेंगे कि कितने न्यूक्लियस के लोब हैं। तो मास्ट सेल जो सेल होती है वो एक तरह का क्या बोल सकते हैं, एमोबॉइडल होता है, क्या है, एमोबॉइडल शेप्ड का होता है। इनमें जो न्यूक्लियस होती है बेटा वो दो से तीन लोब से मिलके बनता है, दो से तीन लोब से क्या बनता है, न्यूक्लियस बनता है बेटा। दिखने में कैसा है, एस शेप्ड, ठीक है, एस शेप्ड, एस आकार का आपको क्या मिल जाएगा, न्यूक्लियस मिल जाएगा। न्यूक्लियस को हम क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली तो तीन पॉइंट्स हो गया। अभी मेनली हमको इसको याद नहीं करना है, मेनली हम ये याद करेंगे बेटा कि ये जो कोशिकाएं होती है या सेल होता है वो कौन कौन से चीजों को सिक्रीट करता है, ठीक है। तो यहां पे मैं मेंशन कर देता हूं सिक्रीशन, क्या क्या सिक्रीट करता है बेटा, तो ये तीन केमिकल्स को सिक्रीट करता है, तीनों के नाम देख लो। सबसे पहला नाम है बेटा हिस्टामाइन, ठीक है, सबसे पहला नाम है हिस्टामाइन। हिस्टामाइन के बाद एक ले लेना सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन के बाद में आपका जो तीसरा कंपोनेंट आ जाएगा बेटा वो क्या है, आपका हिपेरिन आ गया, ठीक है, क्या आ जाएगा, हिपेरिन आ जाएगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन तो यही पूछेगा बेटा कि मास्ट सेल से क्या क्या सिक्रीट होता है, तो एक आपका हिस्टामाइन हो गया, एक आपका हो गया सेरोटोनिन, ठीक है, और एक हो गया बेटा आपका हिपेरिन हो गया, ठीक है। तीन चीजों का सिक्रीशन करता है कौन, आपका मास्ट सेल, ठीक है। अब यार एक जो छोटा पॉइंट है इसको यहीं पे कवर कर देते हैं, हिपेरिन कौन है बेटा, नेचुरल एंटी कोआगुलेंट होता है, ये नेचुरल एंटी कोएगुलेंट होता है बेटा, मतलब ये ब्लड को थक्का जमने से रोकता है, ठीक है। तो यहां पे मैं मेंशन कर रहा हूं, ब्लड को क्या करेगा, थक्का जमने से रोकता है। मैं अपने आपको इधर ले आता हूं, यहां पे मेंशन कर दूंगा, ठीक है, थक्का जमने से क्या करता है, ये बंदा रोकता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पॉइंट नंबर वन, और ये क्या है बेटा, नेचुरल एंटी कोगुलेंट है। तो दो बातें आप याद रखना, अब देखो इन दोनों को वाइस वर्सा याद रखना है बेटा, एक दूसरे के अपोजिट काम करता है। तो हिस्टामाइन
वेसो डायलेटर होता है, ठीक है, वेसो डायलेटर होता है, और जो सेरेटोनिन होता है बेटा वो वेसो कंट्रेक्टर होता है। अब देख लो यार, वेसो डायलेटर और कंट्रेक्टर क्या होता है। वेसो डायलेटर मतलब ये क्या करता है, ब्लड वेसल्स को, ब्लड वेसल्स को, ठीक है, ये बोल सकते हैं कि ढीला करने का कार्य करता है, ढीला करने का कार्य करेगा, तो इसीलिए इसको हम डायलेटर कह देते हैं। और ये क्या करता है बेटा, संकुचित करता है, ब्लड के वेसल्स को संकुचित करने का काम करता है। तो मैं नोट कर देता हूँ, संकुचित करता है, बस लिख देता हूँ। मतलब ये देख लो, आपका ये इतना थिक जो है ब्लड वेसल्स है, इसको डायलेट करना मतलब इसका देखो डायमीटर जो है बढ़ गया बेटा, मगर ये जस्ट उल्टा काम करता है। जो डायलेटेड है उसको क्या कर देगा, ये कंट्रैक्ट कर देता है। देखो बहुत नैरो कर दिया है। तो यहां से ना दो क्वेश्चन बनता है कि हिस्टामाइन ब्लड के फ्लो को, ब्लड के प्रवाह को बढ़ाता है, ये कम करता है, और बीपी को क्या करता है बेटा। देखो यदि डायमीटर बढ़ेगी तो ब्लड का फ्लो बढ़ेगा मगर ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है। सेम पॉइंट यदि यहां पे मेंशन करें तो बेटा डायमीटर कम हो गया मतलब ब्लड फ्लो भी कम हो जाएगा और ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो ये बेटा एकदम वन पेज है ना, सिंगल पेज में मैंने आपको क्या किया है, तीनों केमिकल के बारे में बताया है। अच्छा याद रखना, हिस्टामाइन और सेरेटोनिन दोनों के दोनों अमीनो एसिड डेरिवेटिव केमिकल्स होते हैं, ठीक है। एक तो आता है सिक्रीशन कहां से होगा, दूसरा आएगा बेटा काम क्या है। तो हिस्टामाइन वेसोडाइलेट है, ब्लड वेसल्स को ढीला करता है, सेरेटोनिन कंट्रेक्टर है, ब्लड वेसल्स को और ज्यादा टाइट करता है ताकि ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, ठीक। तो ये हो गए हैं बेटा इसके काम। ऑलमोस्ट हमारा जो कनेक्टिव टिश्यू के जो सेल्स होते हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। अदर सेल भी होते हैं जिसके बारे में आप जानते हैं, जैसे कि अदर सेल के बारे में मैंने मेंशन कर दिया पहले से, जैसे बेटा लिम्फोसाइट, ठीक है, क्या क्या है, लिम्फोसाइट है। लिम्फोसाइट में मैंने सबसे पहला बोला था बी सेल, इसको याद रखना, बी सेल से क्या बनता है बोला था मैंने, प्लाज्मा सेल। तो ये सभी सेल भी आपके कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट होती है। तो नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे बेटा फाइबर्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू और स्टार्ट करेंगे लूज कनेक्टिव टिश्यू को। आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही हम आपको प्रोवाइड करते हैं क्योंकि ऑलमोस्ट 1 आवर का वीडियो बन गया है। तो नेक्स्ट वीडियो हम आपको कल प्रोवाइड करेंगे और उसमें हम कोशिश करेंगे कि जितने भी आपके कनेक्टिव टिश्यू के कंपोनेंट्स हैं और स्टार पॉइंट जो एग्जाम में आते हैं उसको हम कवर करेंगे, ठीक है। चलिए, सो थैंक यू वेरी मच, जाते हैं, टाटा बाय बाय।